हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई वेलकम यू ऑल इवन इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ आईएनएमओ फ्लैशबैक सीरीज। गाइज, इन दिस सीरीज हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर आईएनएमओ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। एंड इन ईच वीडियो वी आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन, एंड वी स्टार्टेड विद द ईयर 2000, एंड करंटली वी आर गोइंग थ्रू द ईयर 2016। रादर टुडे विल बी कंप्लीटिंग द ईयर 2016। वी विल बी डूइंग द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ आईएनएमओ 2016, ठीक है। सो आफ्टर दिस वीडियो देर विल बी बेसिकली 17 ईयर्स वर्थ ऑफ क्वेश्चन पेपर्स विद ईच क्वेश्चन बींग सॉल्व, ओके, हैव बीन पोस्टेड ऑन द चैनल। और रादर गाइज, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, यू कैन फाइंड द प्ले लिस्ट एज वेल। वो एक प्रॉपर ऑर्डर में भी आप सॉल्व करते हुए जा सकते हो, राइट, ओके। बट आई गेस गाइज, बिफोर स्टार्टिंग टूडेज सेशन, मैं आपसे वही अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मैं आपको जब क्वेश्चन दिखा दूंगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन बाई योर सेल्फ फर्स्ट, है ना। खुद से ट्राई करो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, उसका डबल बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप गाइस सॉल्व कर पाते हो देन दैट इज वेल एंड गुड। आफ्टर वॉचिंग द सोल्यूशन यू विल बी गेनिंग कॉन्फिडेंस कि आपने सही किया है। इवन इफ इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्टी लगे आपको, आपका सॉल्व नहीं भी हो पा रहा है, अगर आपने एक डेढ़ घंटा उसके ऊपर स्पेंड किया हुआ है, राइट, अगर आपने उसके ऊपर एक डेढ़ घंटा स्पेंड किया हुआ है, उसके बाद जब आप सोल्यूशन देखोगे ना, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। रादर आपको ज्यादा इंसाइट मिलेगा, बिकॉज आपको पता होगा कि आपने कहाँ गलती की, वो वाला मेथड क्यों नहीं काम किया, वहां पे क्या प्रॉब्लम है, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स एक्यूमुलेट इन योर माइंड, मतलब वो आपकी लर्निंग में, एक्यूमुलेशन में हेल्प करेगा, एंड यू विल नेवर फॉरगेट दीज थिंग्स, ओके। सो आज का क्वेश्चन नंबर थ्योरी पे बेस्ड है, उस पर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो बिफोर बिगिनिंग जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज लोहित जिंदल। आई हैव डन माई बी टेक फ्रॉम IIT बॉम्बे, एंड आई बिन टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस पास्ट 9+ ईयर्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स लाइक IIT JEE, KVPY, मैथमेटिक्स ओलंपियाड एक्सेट्रा। यस, and throughout that time I had the privilege of teaching such brilliant students who got actually in JEE advanced AIR all India ranks of 9 37 and 81 and many more actually. So these are the students who are in top 100 actually, okay. So I had a good experience. So ab baaki guys question dekhte hain. I hope you guys also are going to do something great things, right? So guys question dekhte hain aaj ka, okay. As I said, number theory pe based hai. Let me show you the question. सो दिस इज द क्वेश्चन गाइज, क्या बोल रहा है, कंसिडर अ नॉन कॉन्स्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नॉन कॉन्स्टेंट है, राइट, कंसिडर अ नॉन कॉन्स्टेंट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A1 A2 अप टू AN एंड सो ऑन। सपोज देयर एग्जिस्ट रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, रिलेटिवली प्राइम है, नंबर्स प्राइम नहीं है, दे आर रिलेटिवली प्राइम, ओके, द नंबर्स P एंड Q आर नॉट प्राइम देमसेल्व्स, रादर रिलेटिव प्राइम, राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, यहाँ पे सिर्फ अब तक हमें एक चीज पता लगी है दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट A1 स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, AP+1, P+1th टर्म का स्क्वायर एंड Q+1th टर्म का स्क्वायर जो है आर ऑल्सो द टर्म्स ऑफ द सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नॉट सम न्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, रादर द सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ही टर्म्स है कुछ, नॉट कंसेक्यूटिवली और एनीथिंग, ओके, कीप इट इन माइंड, दे आर नॉट कंसेक्यूटिव और एनीथिंग, बस तीन टर्म्स लिखी है उन्होंने, A1 स्क्वायर, P+1 टर्म का स्क्वायर और Q+1 टर्म्स का स्क्वायर, तीन टर्म्स हैं ये टर्म्स इसी सीक्वेंस में कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं, मतलब ठीक है, अब मतलब कहीं ना कहीं है, प्रेजेंट है। सो द क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ऑल इंटीजर्स, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि सारे टर्म जो एपी के हैं जो गिवन थी वो इंटीजर्स होने चाहिए। सो फॉर दैट आई विल नीड टू प्रूव दैट द फर्स्ट टर्म इज एन इंटीजर एंड ऑल द कॉमन डिफरेंस इज इंटीजर, राइट, दैट शुड बी सफिशिएंट। If I am able to prove that the first term itself is integer and the common difference is integer, then the sequence is integer. क्योंकि first term अगर integer है उसमें integer add करते जाओगे, integer ही मिलता जाएगा, right? Sorry guys. So let us see कैसे solve करेंगे. Let me name the first term as A itself, है ना? हमें जैसे आदत है तो A लिखते हैं first term को. So guys, the what is the A square हो गया? The term A square वो कोई आगे का term होगा ना, right? लेट से दैट इज सम K+1th टर्म, उसको मैं मान लेता हूँ K+1th टर्म है, राइट, सो आई शुड बी एबल टू राइट इट एज A+K×D। अगेन गाइज, आई एम एज्यूमिंग दैट इट इज ए स्क्वायर है, वो आगे का कोई टर्म है ना, लेट से दैट टर्म इज K+1th टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस जो आपको दी हुई है, दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई हैव रिटन इट एज A+KD। ऑफकोर्स गाइज, यहाँ पे ध्यान रखना K क्या है, इंटीजर है, राइट, K इज एन इंटीजर,
सिमिलरली ए स्क्वायर पी प्लस वन, सो ए पी प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज ए पी प्लस वन? पी प्लस वन टर्म क्या होती है? ए प्लस पी डी, इसका स्क्वायर हो रहा है. एंड दिस टर्म इज सम टर्म ऑफ द सीक्वेंस, राइट? लेट्स से दैट टर्म इज एल प्लस वन टर्म. अगेन एक काम करता हूं थोड़ा बेटर समझने के लिए, मैं ये लिख देता हूं. दिस ए स्क्वायर इज ए के प्लस वन टर्म एंड दिस पी प्लस वन इज ए एल प्लस वन टर्म. ओके, ऐसे मैं आगे वाला भी लिख दूंगा. जो थर्ड टर्म होगा क्यू प्लस वन टर्म, दैट इज एम प्लस वन टर्म. ठीक है, समझ रहे हो? तो a ऑफ l प्लस वन टर्म है तो उसको आप ऐसे क्या लिखोगे? a प्लस l टाइम्स d. एंड a m प्लस वन जो q प्लस वन टर्म है, ओके, जो q प्लस वन टर्म है जिसका स्क्वायर हो रहा है, द टर्म a q प्लस वन का स्क्वायर, इट इज अ टर्म ऑफ एन ap, वो m प्लस वन टर्म है, राइट? ऐसा मैं मान के चल रहा हूं. सो दिस विल बी a प्लस क्यू डी होल स्क्वायर, राइट? एंड विच इज, अगर टर्म एम प्लस वन टर्म है तो ए प्लस एम डी आ जाएगा, राइट गाइज? तो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ करके. रहें जो ए स्क्वायर है, ए वन स्क्वायर, आपको तीन टर्म्स यू है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, पी प्लस वन टर्म का स्क्वायर और क्यू प्लस वन टर्म का स्क्वायर, जो तीन टर्म्स है ये, वो उस ओरिजिनल ए पी के कोई ना कोई टर्म्स है. तो मैंने बोला जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वाला टर्म है, ए वन स्क्वायर टर्म है, दैट इज सम के प्लस वन टर्म ऑफ एन ऑफ द ओरिजिनल ए पी. जो p प्लस वन टर्म का स्क्वायर है, a स्क्वायर p, a p प्लस वन का स्क्वायर जो है, दैट इज l प्लस वन टर्म ऑफ द ap. एंड सिमिलरली q प्लस वन टर्म का जो स्क्वायर है, दैट इज m प्लस वन टर्म ऑफ द ap. तो अकॉर्डिंगली मैंने a प्लस kd, a प्लस ld, a प्लस md लिख दिया. सो नाउ यू शुड नो दैट k, l एंड m आर इंटीजर्स, राइट? क्योंकि अगर आप kth टर्म, k प्लस वन टर्म की बात करो तो k तो इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है कोई. Okay, so now guys, you have three equations with yourself. This is the first equation, second equation, and the third equation. Okay, so guys, agar main second minus first karta hun, equation number two minus equation number one, what will it get you? Right side pehle likh deta hun subtract karke. So a a cancel ho jayega, a plus ld and a plus kd, a will get cancelled. You will have l minus k times d. है ना, ये वाले दो टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे जब, राइट? जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, तो a प्लस एल डी माइनस ए प्लस के डी माइनस होगा, तो a विल कैंसिल, d कॉमन आ जाएगा, l माइनस k आ जाएगा. एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल हैव a प्लस पी डी होल स्क्वायर माइनस a, a स्क्वायर, राइट? इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. सो यू विल सी अपॉन एक्सपैंडिंग a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल हैव p स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2 a पी डी. So guys, as you know that d cannot be zero, right? D cannot be zero, है ना? As you guys know, because it's given that it's a non-constant arithmetic progression, d is not zero. So I will be able to cancel this d, right? One of the factors of d on both sides, and I'll write this equation now, simplified this equation to this form. ठीक है? I'll get it simplified. L minus k equal to p square d, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं. 2ap plus p squared, right? Let that be question number 4, correct? Okay, let that be question number 4. Similarly guys, exactly similarly, if you do third equation minus first equation, third mein se first minus kar doge, exactly similar calculation hoga sab kuch, right? You will subtract a plus md minus a plus kd, that will give you m minus k. On the right hand side, similar way, everything will be similar, right? Symmetric equations hai. A square cancel ho jayega right side pe, because you'll get a plus qd whole square minus a square. Same way, you'll get this time 2aq plus q square d, and let that be equation number 5. So guys, observe one thing. Keep this thing in mind. P, Q, K, L and M. All these five terms are integers given hai. So now in the equation number 4 and 5, you have two equations and two variables a and d. Consider them to be two equations and two variables, which the variables here are a and d. L, K, P, Q are known kind of things, right? So it's like two equations, two variables.
आई शुड बी एबल टू सॉल्व फॉर ए एंड डी सेपरेटली, है ना। सो सॉल्व करते हैं ए और डी के लिए। लेट अस से व्हेन आई हैव टू सॉल्व फॉर ए, है ना, क्या करूंगा मैं ए के लिए सॉल्व करना है तो, या फिर डी के लिए लेट्स से सॉल्व करते हैं पहले, है ना, जिसके लिए भी करना है। एक काम करते हैं, ए के लिए पहले सॉल्व करना है, सो आई बी यू नो कैंसलिंग आउट द डी वैल्यू, आई हैव टू एलिमिनेट डी समहाउ। सो डी को एलिमिनेट करने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाई क्यू स्क्वायर, सेकेंड बाई पी स्क्वायर, करेक्ट। सो आई गेट राइट हियर एल माइनस के इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए पी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डी, एंड द सेकेंड वन विल हैव एम माइनस के इंटू क्यू, सेकेंड वाले को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर से इज इक्वल टू, सो दैट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट ऑफ डी, राइट। सो टू ए पी स्क्वायर क्यू प्लस p square q square d, right? These are equations you get. मैं दोबारा लिख देता हूँ, this is equation number 4 multiply by q square and this is equation number 5 multiply by p square. Now subtract them. When you subtract, right, what you will get? d cancel हो जाएगा पूरा का पूरा. So this term a के साथ क्या आएगा? So 2a is common. Rather, PQ is also common, and the bracket you'll have Q minus P. On the right hand side, it is L minus K times Q square minus M minus K times P square. So you can write the term expression of A as, मैं minus sign दोनों तरफ से एक common भी निकाल देता हूँ, so that it's P minus Q, rather थोड़ा simple दिखेगा. So you'll get P square times M minus K, I've taken negative sign common on both sides, okay, minus Q square times L minus K, that's it, divided by 2PQ P minus Q, right. So guys, keep in mind, denominator ka koi problem nahi hai because P cannot be equal to Q, because they are co-prime and P cannot be equal to Q, because P or Q dono greater than 1 hai. And they are co-prime. ऐसा भी हो सकता था ना दोनों वन होते, बट वो यहाँ पे केस नहीं हो सकता, बिकॉज पी एंड क्यू आर बोथ गिवन टू बी ग्रेटर देन वन एंड दे आर co-prime. सो पी माइनस क्यू बोथ कैन नॉट बी इक्वल, सो जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, दैट इज फाइन, देन सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला सोल्यूशन फॉर ए. सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर डी एज वेल, आप डी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. डी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सिमिलर वे में, यू हैव टू यू नो एलिमिनेट ए दिस टाइम. So multiplying the first equation by Q this time and the second equation by P, correct? And second equation by P. So मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो. So 2A P into Q कर रहा हूँ, first equation में Q के साथ multiply कर रहे हैं, plus P square Q into D is equal to L minus K into P, oh sorry, Q. And the second equation, fifth equation by P. So that PQ expression आ जाए ना, so 2A PQ plus PQ square D is equal to M minus K into P. Now again you can subtract it. Okay, फिर से subtract करते हैं, ये cancel हो जाएगा this time around, ठीक है. So again PQ into P minus Q is common with D, and on the right hand side you'll have L minus K into Q minus M minus K into P, right? So D ki value similarly kya aa rahi hai aapke paas, L minus K times Q minus M minus K times P divided by PQ into P minus Q. Again, that is non-zero because कोई problem नहीं है, denominator zero नहीं है. Now guys, see it here, from up to solving up to this step, what does it get us? इससे हमें ये मिलता है guys, see, A is equal to some expression involving PQ, KLM, है ना? And all these terms are integers, so it is basically integers upon integer. So this expression finally, both these two expressions will give us that A and D, and D भी वैसा ही है, it's a multiple combination of L, K, P and Q and P, Q, K, L, M in the numerator as well as denominator. So the two terms, this will give us both A and D are rational.
यहां से इंटीजर तो नहीं बोल सकते, एटलीस्ट ये तो बोल सकता हूं कि ये रैशनल नंबर्स हैं, राइट? दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस क्वेश्चन कि मैं यहां तक तो लेके आया ना सॉल्व करके। अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ए डी क्या है, रैशनल है इरेशनल है, कैसे पहुंचूंगा इंटीजर्स तक, है ना? अल्टीमेट गोल क्या है, उनको इंटीजर प्रूव करना है ना? अभी तक मुझे लेकिन ये भी नहीं पता था कि वो इरेशनल है कि नहीं। सो बाय डूइंग दिस होल प्रोसेस आई एम एबल टू प्रूव दैट ए एंड डी आर रैशनल नंबर्स। यहां तक तो आई होप सबको क्लियर हो गया। सॉरी गाइस, दोबारा बता देता हूं एक बार ब्रीफली हमने किया क्या है। ये तीन ही क्वेश्चन लिखनी है सबसे पहले, ये तो समझ में आ रही होंगी सबको। दो थ्री आर सम थ्री टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, तो हमने वो टर्म्स मान ली कौन कौन सी हैं, उनको सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 मिल गया सब्ट्रैक्ट करके। देन 4 एंड 5 इक्वेशंस आर लाइक टू इक्वेशंस इन वेरिएबल्स ए एंड डी, लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ए और डी के लिए, सॉल्व कर दिया हमने। एंड आफ्टर सॉल्विंग द एक्सप्रेशन व्हाट एवर वी गॉट, वहां से हमें ये पता लग गया कि ए और डी क्या है, रैशनल है। यहाँ से एटलीस्ट ये पता लग गया दैट ए एंड डी आर रैशनल्स, राइट? नाउ गाइस लेट अस कम बैक। अब हम पिक करते हैं दोबारा से फोर्थ इक्वेशन, ये वाली फोर्थ इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन से डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं गाइस, व्हाट कैन बी राइट द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए बाई के, और यू कैन से ए इंटू ए माइनस वन बाई के, है ना? सब्स्टिट्यूट इन फोर्थ, सब्स्टिट्यूट इट इन दिस फोर्थ इक्वेशन, तो क्या मिलेगा आपको, टू ए पी प्लस पी स्क्वायर इंटू डी विच इज ए इंटू ए माइनस वन अपॉन के विच इज इक्वल टू एल माइनस के, ठीक है? तो एक्सपैंड कर देते हैं इसको, क्या टर्म मिलेगा आपको, टू ए पी प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर और पी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस पी ए पी स्क्वायर ए, और के से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट टर्म में, एंड और राइट साइड पे हो जाएगा एल माइनस के इंटू के। सो गाइस जस्ट बाय रीअरेंजिंग, नाउ देखो पी स्क्वायर ए स्क्वायर है, उसको ऐसा लिख सकता हूँ पी ए का होल स्क्वायर, ओके? और जो बाकी के ये दो टर्म्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इनमें से मैं पी ए कॉमन निकाल लेता हूँ, प्लस पी इंटू ए, आई विल हैव प्लस पी ए कॉमन, सो टू के माइनस पी माइनस के इंटू एल माइनस के इक्वल टू जीरो। सो फाइनली गाइज हमें ये वाली इक्वेशन मिल रही है, एंड हाउ इज दिस इंपॉर्टेंट आई विल टेल यू नाउ, ठीक है? इट इज लाइक पी ए में क्वाड्रेटिक, है ना, एक तरह से आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, कंसिडर इट टू बी लाइक अ पी क्वाड्रेटिक इन पी ए, पी इंटू ए के अंदर क्वाड्रेटिक है, वेयर द कोफिशियंट्स वेयर दीज कोफिशियंट सम ऑफ रूट्स पी माइनस टू के एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इंटीजर्स, ठीक है ना? पी ए में क्वाड्रेटिक है ना एक तरह से, एंड वी नो दैट पी ए इज रैशनल, इसके रूट्स रैशनल है ना? सो गाइज कंसिडर दिस थिंग केयरफुली, दिस क्वाड्रेटिक, देखो अगर ए रैशनल है तो पी इंटू ए तो रैशनल होगा, पी तो इंटीजर है ना, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन पी ए, जिसका एक क्वाड्रेटिक एक तरह से जिसका रूट पी ए है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ओके आई राइट इट सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली। सो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ गाइस, देखो इफ आई राइट दिस इक्वेशन डाउन, एक्स स्क्वायर, आई होप आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक, डी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बाई के, या सो एक्स स्क्वायर प्लस टू के माइनस पी टाइम्स एक्स माइनस के इंटू एल माइनस के इक्वल टू जीरो। इसका एक रूट क्या होना चाहिए, इसका एक रूट क्या होना चाहिए, पी ए होना चाहिए ना, विच इज रैशनल, एंड दैट इज रैशनल, बोल सकता हूं मैं सब। तो अगर एक रूट रैशनल है दूसरा भी तो रैशनल होगा ना, दोनों रूट्स, क्योंकि इरेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, तो अगर एक रूट रैशनल है दूसरा भी रैशनल होना चाहिए, ये बात तो क्लियर है। तो मतलब पी ए जो है यहां से रैशनल होना चाहिए, पी ए रैशनल है, यहां तक तो क्लियर है, इसका एक रूट रैशनल है। बट एक चीज और ध्यान में होनी चाहिए गाइस, यहां पे एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद लीडिंग कोफिशिएंट एज वन, देखो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन वन है ना वहां पे, तो अगर वो रूट रैशनल है आपका, उसका जो डिनोमिनेटर है इट शुड डिवाइड इट्स कोफिशिएंट, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, या फिर ये जनरली भी रूल है, पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक का अगर
मोनिक पॉलिनॉमियल है। मोनिक पॉलिनॉमियल मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना। पॉलिनॉमियल का हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अगर 1 है तो उसके जो रूट्स, रियल रूट्स, रैशनल रूट्स होंगे वो क्या होने चाहिए? इंटीजर होंगे। ओके, आई गिव यू अनदर एक्सप्लेनेशन एज वेल। आपने ये पढ़ा हुआ है वैसे नंबर थ्योरी चैप्टर के अंदर, आपने ये चीज पढ़ी होगी या एलजेब्रा के अंदर पढ़ा होगा दैट इफ एक्स इज सपोज टू बी रैशनल, है ना, मैं बता देता हूँ, इफ इट्स रूट एक्स विच इज पी ए हेयर, है ना, जिसका रूट एक्स है, लेट्स से दैट इज सम डब्ल्यू बाय जेड, लेट्स से, ओ सॉरी, लेट्स से इट हैज अ रैशनल रूट डब्ल्यू बाय जेड, देन अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट रूट्स ऑफ कोफी रैशनल कोफिशिएंट्स का कॉन्सेप्ट होता है दैट जेड शुड डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हिच इज 1, है ना, जेड शुड डिवाइड 1 व्हिच मींस जेड इज इक्वल टू 1, एक ही नंबर होता है ना, गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज द रूल कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल रूट्स हैं देन इफ दैट रैशनल रूट का जो रूट का डिनोमिनेटर जो है दैट शुड डिवाइड द लीडिंग कोफिशिएंट एंड सिमिलरली ओमेगा शुड डिवाइड डब्ल्यू शुड डिवाइड के इनटू एल माइनस के, दैट इज द रूल, राइट। तो जो आपका रैशनल रूट है डब्ल्यू बाई जेड, अगर रैशनल रूट है तो उसका डिनोमिनेटर 1 को डिवाइड करना चाहिए, तो 1 को डिवाइड तो सिर्फ 1 ही कर सकता है, सो दैट इज 1, विच मीन्स दैट पी ए फ्रॉम दिस थिंग होल दिस, ये पूरा कॉन्सेप्ट के बाद हम क्या बोल सकते हैं, जो उसका रूट है इसका मतलब वो इंटीजर है रादर, नॉट ओनली रैशनल, सिंस द कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट इज 1 उसका जो रूट है वो इंटीजर होगा, सो फाइनली दिस इंप्लाइज दैट पी ए इज इंटीजर, राइट, ऑल दिस होल कॉन्सेप्ट वॉज टू प्रूव दैट पी ए इज एन इंटीजर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, थोड़ा स्पेस कम है सो आई हैव टू यू नो स्क्रोल इट डाउन, बट आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई एक्सप्लेन अगेन, हमने क्या किया, फोर्थ इक्वेशन नंबर 4 के अंदर फर्स्ट इक्वेशन से डी को रिप्लेस कर दिया सिंपली, आई रिप्लेस द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी दिस वैल्यू इनटू द फोर्थ इक्वेशन एंड गॉट दिस, एंड उसको सॉल्व करके मैंने क्या बनाया, पी ए में एक क्वाड्रेटिक बना लिया, सो आई रोट डाउन अ क्वाड्रेटिक जिसका रूट है पी ए विच इज रैशनल रूट एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है विच मीन्स द रैशनल रूट जो है उसका, उसका जो डिनोमिनेटर है दैट शुड डिवाइड द 1 वैल्यू, द वैल्यू 1, सो विच इज 1 इटसेल्फ, या फिर आप अदर वे ये बोल सकते हो सिंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड दिस क्वाड्रेटिक हैज रैशनल रूट्स, है ना, सो दैट विल कंक्लूड टू गिव यू दैट द रूट्स आर रादर इंटीजर, नॉट ओनली रैशनल दे विल बी इंटीजर्स बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो यहां तक आ गया पी ए इज एन इंटीजर। सिमिलरली गाइस, वेरी मच सिमिलरली आप यही सारी चीज अब क्यू वाली इक्वेशन के साथ भी कर सकते हो, मतलब डी को 5th इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, इंस्टेड ऑफ पी ओनली द डिफरेंस विल बी दैट इंस्टेड ऑफ पी यू विल बी हैविंग क्यू और एल की जगह एम होगा आपके पास, दैट इज ओनली डिफरेंस, कोई और कोई फर्क नहीं है, सो सिमिलरली क्यू ए इज एन इंटीजर, क्यू ए भी इंटीजर है आपके पास, राइट। एक काम करते हैं, मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा, ठीक है, स्पेस, सो गाइस वी हैव कम अप टू दिस स्टेप दैट पी ए इज एन इंटीजर, राइट, एंड क्यू ए इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो गाइस आपके माइंड में यार ये दिमाग में आ रहा होगा कि ए को इंटीजर कैसे बताएं, यहां से गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फ्रॉम नंबर थ्योरी अगेन, सिंस पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम, इसी बात के लिए उसने रिलेटिवली प्राइम दिया हुआ था, अदरवाइज नहीं यूज होगा था यहाँ पे, पी इंटू ए इज इंटीजर, क्यू इंटू ए इज इंटीजर, तो गाइज हमने ये पढ़ा हुआ है इफ टू टर्म्स आर रिलेटिवली प्राइम देर विल एग्जिस्ट सम यू एंड वी, लेट से देर विल एग्जिस्ट, ओके मैं लिख देता हूँ, देर विल एग्जिस्ट, मैं यहां से शुरू करता हूँ, सिंस पी एंड क्यू का जीसीडी इज 1, देयर विल एग्जिस्ट सम यू एंड वी सच दैट पी यू प्लस क्यू वी विल बी इक्वल टू 1, है ना, डाइफेंटाइन इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना एक तरह से, है ना, या फिर एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट है दैट द एचसीएफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू नंबर्स, राइट, HCF of the two numbers can always be represented as a linear combination of the two numbers, right? So PU plus QV, there will exist some U and V such that PU plus QV will be equal to 1, है ना?
सो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को यू से मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज पी ए इज एन इंटीजर, क्यू ए इज एन इंटीजर, तो फर्स्ट वाले को यू से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड वाले को क्यू से वी से, एंड इफ आई एड देम पी यू प्लस क्यू वी इज वन, राइट? ठीक है, सो यू कैन से पी यू ए प्लस क्यू वी ए इज इंटीजर, है ना? इट शुड बी इक्वल टू इंटीजर ना, पी यू ए, मैंने फर्स्ट इसको यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके राइट है, सो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाई यू एंड मल्टीप्लाइंग दिस बाई वी एंड एडिंग देम, ठीक है, सो यू पी ए पी यू ए या फिर क्यू वी ए को एड करके क्या बन रहा है, इट शुड बी राइट हैंड साइड शुड बी इंटीजर, दोनों इंटीजर्स है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इंटीजर है, सो इफ यू टेक ए कॉमन पी यू प्लस क्यू वी इज वन, सो पी यू प्लस क्यू वी बन गया ना, दिस इज इक्वल टू ए विच इज एन इंटीजर. सो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज प्रूव हो गया दैट ए इज एन इंटीजर. तो एक पार्ट तो हो गया कि ए इंटीजर है, राइट? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो क्वाइट अ गुड कॉन्सेप्ट. अब इसका सेम कॉन्सेप्ट यार डी के ऊपर लगाना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नथिंग एट ऑल, नो इश्यूज एट ऑल, है ना? पी ए इंटीजर पहुंचाया था, क्यू ए इंटीजर बना दिया. अब आप कहां से शुरू कर सकते हो, यू कैन रादर स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप. ओके, मैं यहां से आ रहा हूं, इस पॉइंट से बात करते हैं, ठीक है? सिंस यू हैव प्रूव दैट ए इज एन इंटीजर, सो ए स्क्वायर माइनस ए बाय के, ओके सॉरी, एक काम करते हैं, या रादर यहां से चलते हैं, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ओके यहां से देखते हैं. देखो, इफ ए इज एन इंटीजर देन पी स्क्वायर डी की वैल्यू कितनी है, एल माइनस के माइनस 2ap. सो सी नाउ, एल माइनस के इंटीजर है, 2ap भी इंटीजर है ना? सो दिस विल इंप्लाई पी स्क्वायर डी इज एन इंटीजर, पी स्क्वायर डी इज एन इंटीजर, एंड एग्जैक्टली सिमिलरली क्यू स्क्वायर डी भी इंटीजर ले आओगे, दैट इज फ्रॉम द फिफ्थ इक्वेशन, सिमिलरली क्यू स्क्वायर डी इज ऑल्सो एन इंटीजर. अब आई गेस अगेन पी एंड इफ पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम, देन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी रिलेटिवली प्राइम है, सेम थिंग अगेन, वी हैव टू अप्लाई द सेम थिंग अगेन, है ना? सिंस यू कैन से दैट पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम, दैट विल इंप्लाई सिमिलरली सब कुछ सेम आ जाएगा, है ना? देयर लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी रिटन एज वन, सम लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी वन, और उतने टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके एड कर देना है. सो एग्जैक्टली द सिमिलर वे, सिमिलरली एज द ए के लिए जैसे सॉल्व किया था वैसे ही इसके के लिए करोगे, सिमिलरली यू कैन से डी इज एन इंटीजर. एंड दैट्स इट. तो गाइज आपने ए और डी दोनों को इंटीजर प्रूव कर लिया, एंड दैट्स इट, दैट विल इंप्लाई दैट योर एपी इज द एपी इज एन इज अ सीक्वेंस, योर एपी दिस टाइम इज हैविंग इंटीजर टर्म्स, ए इंटीजर है, डी इंटीजर है, इट मींस योर एपी इज एन having integer terms. That's it. That is the solving for this question. I know थोड़ा सा lengthy है guys, but it's quite easy actually अगर आप देखोगे step by step. So I'll just tell you briefly कि क्या किया हमने. सबसे पहले guys हमने जो ये equation लिखी, equation number 1, 2, 3, I hope सबको clear है. It's quite easy to write equation number 1, 2, 3. Then solving them, subtracting them, 2 minus 1 and 3 minus 1, we got equation numbers 4 and 5. That was like linear equation in two variables a and d. We solve them to write a and d itself. And to say that from this thing we concluded, first thing that we concluded was कि a and d are rational, क्योंकि तब तक हमें वो भी नहीं पता था, right? So once we figured out that a and d are rational, proved that a and d are rational, then we came back to the first equation, okay? From the first equation we substitute the value of d into the fourth equation to get a quadratic in PA, and then we applied the rule or the concept that if a quadratic is having a rational root and is the leading coefficient is 1, then the roots are rather integers, है ना? That gave us or that led us to this concept that PA is an integer and similarly QA is an integer. And then the next step comes or the next concept was that if PA is an integer, QA is an integer, and since P and Q are co-prime, relatively prime, then there's some linear combination of P and Q which will add up to 1. Right, there will be some linear combination, exists some u and v belonging to integer, so that
the linear combination is 1, and using the linear combination I can prove that a is an integer, क्योंकि दो टर्म्स इंटीजर हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से ऐड कर दिए ना, सो दैट देयर कोफिशिएंट बिकम्स, ए का कोफिशिएंट 1 आ जाए, है ना, यही बना रहे हम, ठीक है. सो दैट लेट अस टू प्रूव दैट ए इज एन इंटीजर, एंड एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे आई कैन प्रूव डी इज एन इंटीजर, एंड वंस आई प्रूव दैट ए एंड डी आर इंटीजर्स, आपका ए पी क्या है, यही क्वेश्चन आपको प्रूव दैट द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ऑल इंटीजर्स, और वो हमने प्रूव कर दिया इस तरीके से, राइट. So guys, I hope this concept is clear and this was a very nice question, right? Interesting question, but mushkil nahi tha as such itna, hai na? I hope so. So guys, I hope guys you were able to learn something from this, to get some good takeaways from this question. And with this video, as I said, with this video, we have completed the question paper of year 2016 as well. So far guys, 17 years worth ke paper kar di humne, started with the year 2000 till 2016. So 17 years ke papers hai. And each paper is having 6 questions. So we have done 17 into 6. Right? So I guess about kitna ho gayi hai? I guess 102 questions. Hai na? 17 into 6 is 102 questions. So 102 videos already been posted on the channel. Place ke andar bhi dekh sakte ho. So in the next video, we'll be starting with the year 2017. So let's see. Okay. So that's it guys. I hope you guys learned something. And if you did learn good, so guys, please like this video and subscribe to our channel so that we get motivated actually. Hai na? Toh idea lagta rehta hai that your guys are liking this video. So we'll try to, you know, create more of these. Okay. All right, guys, that's it from my end. We'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best, guys. Take care. Bye-bye.